हर लड़की एक जैसी नहीं होती, सही बात, किसी की गर्दन काली होती है, किसी के पैर। हाँ, लेकिन यहाँ तो हाई 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 हाई। अच्छा, अलार्म के साथ होता पता है क्या, तारिक गवाह है के अलार्म की आवाज से ना सब उड़ जाते हैं। हाँ। वो कुत्ते का बच्चा नहीं उठता जिसने लगाया। इसी बात पर क्या है कि जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, दूसरों पर इल्जाम लगाएं और वहां से खिसक जाएं। हाय 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 हाय। अगर ये चाइना की वजीर आजम बन गई तो उनका नाम क्या होगा? चिंगमिंग चिनली चिल्ली मिल्ली चिल्ली मिल्ली चिल्ली उड़ गई सबकी गिल्ली। नहीं, इनका नाम होगा चिल्ली मैनी मिल्ली। चिल्ली मैनी मिल्ली, इनकी पार्टी चिल्ली मैनी मिल्ली। पहले बात कर ले मेरे। और अब तो पता है लड़के क्या कह रहे हैं। क्या लड़के कह रहे हैं? सर्दी इतनी बढ़ रही है कि महबूब कदमों में नहीं कंबल में चाहिए। हाँ, ये बात तो है। हाय हाय, मतलब एक कंबल उड़ाने वाला दिल टूटने पे किसी जाली बाबा के पास गई है। हाँ, और वो ओरिजिनल हो गया आपका देखो। अच्छा, मैं गई तो नहीं हूँ जाली बाबा के पास, पर एक बार ये हुआ कि जाली बाबा ने कॉल की कि मैं आ रहा हूँ। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा लैला जी, ये बात सही कि रूस से मोहब्बत की बात करने वाले लोग कुछ देर बाद तस्वीर मांगने लगते हैं। उसके बाद कहते हैं वीडियो कॉल पे भी आओ। अच्छा, तो आ गई फिर आप? नहीं, मैं दूर नहीं रहना, पवित्र रहना, बिल्कुल पवित्र। आप लोगों को पता ही है अंडे और डंडे में क्या फर्क है? क्या फर्क है? अंडे अंडे हमें अंदर से गर्म करते हैं और डंडे बाहर से। लड़कों का सवाल है कि पतली लड़की से दिल कभी मत लगाना, क्योंकि जिस पे खाना असर नहीं करता उस पे मोहब्बत क्या खाक असर करेगी। हाय हाय। और मैं ये बोलूंगा कि अगर ये मियां बीवी की बात हो रही है तो मैं बोलूंगा भाई, अगर खुश रहना चाहते हो जिंदगी में तो पहले दिल की सुनो, फिर दिमाग की सुनो, और फिर वही करो जो बीवी कहती है। अच्छा अच्छा, मेरा एक सवाल, एक जनरल सवाल है। फर्ज कीजिए आपकी शादी हो गई, शादी के बाद आपने अपने शौहर से कहा मुझे घुमाने ले जाओ, और उसने पंखे के साथ बांध के घुमा दिया, फिर तो जमीनी फैसलों को आसमानों में नहीं करते, मोहब्बत अपने से ऊंचे घरानों में नहीं करते। वाह वाह, कुत्ते की तरह जलील होंगे। सनी सवयोरम अस्कलम अस्कलम। सनी सनी हौसला रख, मैं आ रही हूँ। नहीं, सनी सौ सलम अस्कलम। अस्सलाम वालेकुम मौसी बरकत भाई। वालेकुम अस्सलाम। और जैसा कि मैंने आपको कॉल की तो मैंने इतवार को पूछा, आपने बोला शो में हो, पीर को आप शो में, मंगल को शो में, तो ये आप लोग घर बैठ नहीं जाते? कि थक गया हूँ मेहमान की तरह घर जाते जाते, थक गया हूँ मेहमान की तरह घर जाते जाते, थक गया हूँ मेहमान की तरह घर जाते जाते, बेघर हो गए हम चंद रुपए कमाते कमाते। वाह वाह। हाय यार, ये बरकत भाई, ये मर्द की हकीकत है। मर्द की हकीकत है, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, कि शुरुआत की बात में एक बात कहना चाहता हूँ, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहता हूँ। लोग मजाक मजाक में आपको काम की बात सिखा देते हैं, और कुछ लोग मजाक मजाक में मजाक करके चले जाते हैं। अच्छा, अब मेरे मोहल्ले में एक लड़का मुझे कह रहा, बरकत भाई बादाम खाया करो, दिमाग तेज होता है। मैंने कहा यार मैं खाता करा नहीं, खाया करो। मैंने कहा खाता हूँ कैसे, यकीन दिलाओ। कह रहे मुझे एक बात बताओ, एक किलो चावल में कितने दाने होते हैं? मैंने कहा ये तो मैं नहीं बता सकता, बल्कि इसका जवाब तो कोई भी नहीं दे सकता। कह रहे ये लो बादाम खाओ। मैंने बादाम खाया, दो मिनट बाद मुझसे पूछ रहा है ये बताओ एक एक दर्जन में कितने केले होते हैं? मैंने कहा 12। कह रहा देखा दिमाग तेज हुआ ना। अच्छा, ये आपका दिमाग केले पे क्यों सही हुआ? नहीं, होता है केला फ्रूट ही ऐसा है। यार आप देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, मामला ऐसे संगीन ऐसे रंगीन चल रहे हैं। आप देखो, एक नशे ही मस्जिद में वजू कर रहा था, मौलवी साहब ने देख लिया, बोले ओए तू यहाँ क्या कर रहा है? नशे? कह रहा है ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे से तो उस वक्त लगेंगी जब आप मुझे जन्नत में देखोगे। वाह यार, वैसे एक बात, एक लड़का बुजुर्ग से पूछ रहा है, एक बुजुर्ग से पूछ रहा है, कह रहा ये गर्लफ्रेंड के साथ सोना हराम है? बुजुर्ग ने कहा बेटा बात हराम की नहीं है, तुम लोग सोते कहाँ हो? यार ये मामला तो ऐसे संगीन हो गए ना। बाप देखो, एक लड़का दूसरे लड़के से कह रहा है तेरा बाप डॉक्टर है फिर भी तू बीमार हो गया, वो कह रहा है तेरा बाप मेडिकल स्टोर पे काम करता है फिर भी तू पैदा हो गया। यार ये मुझे समझ नहीं आया, ये मुझे भी समझ नहीं आया। ये उसकी समझ में आया जो पैदा हो गया, पैदा हो गया, हो गए। उसकी समझ में जब आया जब उसकी अपनी शादी हुई। हाँ। और वो मेडिकल स्टोर गया। हाँ। और ये देखें, हमारी तो ये छिछोरापन चलता ही रहेगा। ये छिछोरापन नहीं है, ये नहीं करे, ये वो बात है जिसपे हमें प्रॉपर गालियां पड़ती है। जी हाँ, जी हाँ, और हमें आदत पड़ गई है इन बातों की, हम यूज्ड टू हैं। और क्या हम ये बातें हम तीनों ही सुनते रहेंगे? नहीं नहीं, मेहमान भी हमारे, मेहमान भी है ना। शी इज अ हाउसफुल एंड आई एम रियली थैंकफुल, शी इज वंडरफुल वंडरफुल, शी इज ब्यूटीफुल, नो वर्ड्स, शी इज ऑन वर्ड्स। उनकी जितनी तारीफ करे कम है, कम है। मैं तो कहता हूं तारीफ ना करें, क्योंकि हम इस चक्कर में पढ़ते ही नहीं है, नहीं है, है ना? हाँ। आपकी और मेरी भरपूर तारीफ में लैला, ओ लैला लैला, थैंक यू सो मच, कैसी तू लैला, क्या मतलब कैसी लैला, कोई चाहे तुझसे मिलना के, बस मैं यही नहीं चाहती, जिसको भी देखूं लाला दुनिया भुला दूं, लाला मजनू बना, गलत, लाला बना, लाला
ऐसी नहीं, आजकल की माशूक है तो आशिक को कुत्ता बना रही है, मेरा लेला लेला, लेकिन ये उनमें से नहीं है। देखो देखो अहमद, मैं आपको एक बात बताऊं, हर लड़की एक जैसी नहीं होती, सही बात, किसी की गर्दन काली होती है, किसी के पैर, हाँ, लेकिन यहां तो हाय 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 हाय, नहीं मतलब हर लड़की एक जैसी नहीं होती और हर लड़का एक जैसा होता चाइना में, चाइना में, हाँ, और उसको कहते हैं ना जा बहुत देखे तेरे जैसे, चाइना में बोल सकते हैं, चाइना में बोल सकते हैं। लैला जी, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपके पास तमीज का नंबर है? नहीं, जिससे पूछो ना, कहते तमीज से बात करो, किससे बात करूं? लैला जी, पहला सवाल है, आवाम का सवाल है, मतलब बात हो जाएगी, आर यू मैरिड? No. Oh, happy birthday to you. नहीं तो happy birthday to you क्यों? है मैं जो married नहीं हूँ, happy birthday to you. हाँ. देखिए लैला आज यहाँ पर आई हैं. हाँ. और आज यहाँ पर आई है, कल कहाँ आएंगी? आज यहाँ पर आई पे इतना जोर क्यों दिया आपने? नहीं मैं कह रहा हूँ कि कल क्या पता यार, मैं कल का यार कल किसने देखा है? हाँ. मौत का क्या भरोसा? क्या बात आपकी है, कल आपकी है, क्या भरोसा मौत? बहुत अच्छे, यानी दोनों सूरतों में लैला जी, एक शेर आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ अगर आप इजाजत दें. जी जी बिल्कुल, इरशाद. शेर है कि किसी को दिल का दीवाना पसंद है, किसी को दिल का नजराना पसंद है, किसी को दिल का दीवाना पसंद है, किसी को दिल का नजराना पसंद है, किसी को दिल का दीवाना पसंद है, किसी को दिल का नजराना पसंद है, औरों की पसंद का पता नहीं, हमें तो आपका मुस्कुराना पसंद है. हाँ जी, तो 100 करोड़ आवाम भी मेरे बारे में यही कहना चाहती है कि हम आपकी आंखों पर फिदा हैं. आप अंधों के मोहल्ले में रहती हैं? नहीं, आंखों वालों. आंखों वालों. अच्छा, 100 करोड़ इन्होंने वर्ड यूज करा है, ये आपका किस पार्टी से ताल्लुक है? सियासी पार्टी से ताल्लुक है, क्योंकि हर कोई सियासी पार्टी कह रही है हमारे हमारे जलसे में इतने करोड़ आवाम थी. ये मैं नहीं बता सकती. इनका ताल्लुक चाइना से है. क्योंकि इतनी पॉपुलेशन वहीं की है या इंडिया की है? आप क्या कह रहे थे आप? अगर ये चाइना की वजीर आजम बन गई तो उनका नाम क्या होगा? चिंग मिंग चिल्ली. चिल्ली मिल्ली. चिल्ली मिल्ली चिल्ली उड़ गई सबकी गिल्ली. नहीं, इनका नाम होगा चिल्ली मैनी मिल्ली. चिल्ली मैनी मिल्ली इनकी पार्टी. चिल्ली मैनी मिल्ली, पहले बात कर ले मिले. इंतखाबी निशान क्या होगा आपका? यार वैसे मेरा इंतखाबी निशान बलून होगा. बलून फूला हुआ या बगैर फूला हुआ? क्या मतलब है? नहीं वो फुला के देखा ना, फिर ये हैप्पी बर्थडे करेंगे. लेकिन ये मसला ये, अब ये बोलेंगे बलून पे मोहर लगाएं, बलून तो फट जाएगा. अच्छा, बलून दो तरह के होते हैं, एक तो आप फूक मार के फुलाते हैं, एक गैस वाला होता है जो उड़ जाता है, और एक तीसरा, एक तीसरा भी होता है, पर मेरा गैस वाला होगा. तीसरा बलून गैस वाला होगा. हां ठीक है, आपका गैस वाला. आप शेर सुना रहे थे? हां मैं शेर सुना रहा था कि मेरी आंखों पर कोई दम कर दो, मेरी आंखों पर कोई दम कर दो, मेरी आंखों पर कोई दम कर दो, ये मुसलसल तुम्हें देखने की जिद करती है. वाह वाह, हाय हाय, काश काश तू मेरी आंखों का आंसू बन जाए. काश तू मेरी आंखों का आंसू बन जाए. काश तू मेरी आंखों का आंसू बन जाए, मैं रोना ही छोड़ दूं तुझे खोने के डर से. हाय 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 हाय, लैला जी आपसे पहला सवाल की ओपनिंग में करना चाहूंगा, ये बताइए आपको मोहब्बत हुई और हुई तो उसकी ड्यूरेशन कितनी थी? हाँ. नहीं मतलब कितना अरसा चली वो मोहब्बत? मतलब ये कि किसी ने आपको आई लव यू कहा हो तो आपने कहा हो इसकी एक्सपायरी डेट भी बता दो. हाँ. क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा मोहब्बत का? अच्छा, मोहब्बत के बारे में मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूंगी कि कभी मैंने किसी को प्रपोज किया, लाइक मुझे कभी मोहब्बत नहीं हुई. नहीं हुई? अच्छा? भाई हाँ, नहीं हुई. क्या कर रही हो? क्यों ये ना करना. बस नहीं हुई तो नहीं हुई. आपको किसी से हुई? आपकी एज क्या है? मेरी एज 22 है. अबे एज नहीं पूछते यार इस तरह. यार बता, यार 22 बता सकती हूँ मैं, कुछ बता सकती हूँ. अच्छा 22. हाँ. मुझे नहीं लगता कि मोहब्बत ना हुई हो 22 में. बरकत भाई हाँ, ये आपको 22 साल की एज में कितनी मोहब्बत हो गई? नहीं यार आप मुझसे क्या पूछ रहे हो यार, लड़की तो दूर की बात है, मुझसे तो रात को रजाई भी सेट नहीं होती. नहीं। और अब तो पता है लड़के क्या कह रहे हैं? क्या लड़के कह रहे हैं? सर्दी इतनी बढ़ रही है कि महबूब कदमों में नहीं कंबल में चाहिए. हाँ ये बात तो है. हाय हाय, मतलब एक कंबल उड़ाने वाला हो. हाँ, हाँ, शादी हो, मतलब रिश्ते हो. रिश्ते हो क्या वजह है मेरी बहन? अल्लाह अल्लाह, मुंह से बात निकल गई जो दिल में थी, बात वो जुबान पर आ गई. बोलने से कौन सा हो जाती है? राखी पे मैं इनको राखी बांध दूंगी. साथ में राखी के साथ मुझे भी बांध देना. ये उसी भाई, ये कैसे मिटेगा बहन? मट्टी के दिल से गरारे करें. मट्टी के दिल से गरारे करूं बस, ठीक है. थोड़ा सा डेटॉल भी डालिएगा. दो बोलने से कौन सा हो जाती है? हाँ ये बात. हाँ चले 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 लैला. अच्छा आप जो मोहब्बत नहीं बता रही है ना, ये मुझे ऐसा लगता है इनका दिल टूटा हुआ है ना, दिल टूटा है. कभी दिल टूटने पे किसी जाली बाबा के पास गई है? हाँ, और वो ओरिजिनल हो गया आपका देखो. अच्छा मैं गई तो नहीं हूँ जाली बाबा के पास, पर एक बार ये हुआ कि जाली बाबा ने कॉल की कि मैं आ रहा हूँ. अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी. अच्छा सुने तो सही. हाँ, मेरा किस्सा कुछ इस तरह से कि लाहौर में मेरे कुछ रिश्तेदार रहते हैं. अच्छा. तो मुझे नजर बहुत लगती है, तो इस वजह से मेरे कजन ने कहा. पूरा नाम क्या? नजर नजर इश्तियाक बेग. क्या नाम है पूरा? लैला शाह. तो मेरे कजन ने कहा कि चलो यार तुम्हें नजरे बद वाले के पास लेके चलते हैं. मैंने कहा ठीक है, वैसे मेरा कोई एतबार नहीं है.
तो मेरे कजन ने ऐसी बात कही, वो बात मेरे दिल पे लग गई। तो उन्होंने कहा वो नजर का ऐसा दम डालेंगे कि फिर बंदा कुछ नहीं डाल सकेगा। मैंने कहा क्या मतलब? तो उन्होंने कहा कि मतलब कोई नजर नहीं डाल, नहीं नहीं कोई नजर नहीं डाल सकेगा, कोई कुछ कर नहीं सकेगा, मतलब अलमारी में अकाउंट में, अकाउंट में पैसे डाल नहीं सकता, निकाल नहीं सकता। हाँ, कोई नहीं अलमारी में से कपड़े निकाल सकता, डाल नहीं सकता। हाँ, अरे भाई कोई बुरी नजर नहीं डाल सकता। अच्छा, बुरी नजर, बुरी नजर, बुरी नजर की बात हो रही है। तो हम लोग चले गए लाहौर में, वो थे बाबा, तो वहाँ पे जाके मैंने देखा काफी रश-वश लगा हुआ था, लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो एक लड़की थी वहाँ से, तो वहाँ पे बैठ के बोलती मैं पिंडी से आई हूँ बाबा, ऐसा कुछ करें कि महबूब कदमों में आ जाए। तो बाबा ने क्या किया, प्रॉपर बाबा ने कहा वो पेड़ है, जाओ बेटा ये तुमने एक चिल्ला काटना है और 7 चक्कर लगाने और महबूब तुम्हारे कदमों में। वाँ वाँ तो मैं भी खड़े हुए देख रही, मैंने कहा बाबा तो इतने मतलब शातिर हैं, कुछ ना कुछ कर ही देंगे। लड़की आई, 7 चक्कर हुए, फिर आके बैठी, कहती बाबा काम हो जाएगा। तो उसी वक्त मुझे ख्याल आया कि महबूब का तो नहीं पता, लड़की आई थी पिंडी से, ठीक है, और थे बाबा लाहौर में। मैंने कहा ऐसा ना हो नैरो नैर के पिंडी पेड़ ही निकल जाए इनके साथ, क्योंकि वो कहते हैं ना के हिंदुओं में जब शादी होती है तो 7 चक्कर लगते हैं। तो वो 7 फेरे उसने पेड़ के साथ लगा दिए। तो मैंने कहा यार, तो महबूब कदमों में आया कि फिर कमरे में आया, तो पेड़ में जान आ गई फिर। मेरे ख्याल से महबूब का नहीं पता, पेड़ के रोंगटे खड़े हो गए, पेड़ में फल आ गया फौरन। फल आ गया, अच्छा मतलब सर्दियों का सीजन था, आम निकला है, सारे पत्ते यूं थे मुरझा यूं खड़े हो गए। फिर वो बाबा जाली निकला, मतलब बाबा जाली था, बाबा जाली, लेकिन बाबा जाली था, वो लड़की तो ओरिजिनल थी। हाँ, और पेड़ भी। हाँ, पेड़ भी। तो फिर आपने चक्कर तो नहीं लगाए ना? नहीं नहीं, मैंने दम भी नहीं करवाया ना, दम अच्छा नहीं करा ना भाई, वो दम करते फिर उलझा देते हैं। यार मैं आपको बताऊं, ये आपको बताऊं, ये आप ये जो दौर चल रहा है ना, आप लोग इस बात से तफा करेंगे, ये गलत फहमियों का दौर है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग का दौर है। मैं क्या बोलूं, आप क्या सुन रहे हैं, आप क्या बोल रहे हो, मैं क्या समझ रहा हूँ, समझना नहीं पा रहे, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। मेरा एक दोस्त है, बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है, सच्चा वाकया बता रहा हूँ, बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है। तो उसके पास एक लड़की आई, वो कह रही मुझे नौकरी चाहिए। मेरा दोस्त कह रहा है नौकरी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, आपने बस चाय बना के देनी है। वो कह रही चाय बना दूंगी, देनी वेनी नहीं है। वरना वेटर से दिलवाना, मतलब मतलब मैं चाय बना दूंगी, उठा के खुद पी, खुद कुछ काम कर ले। अच्छा नहीं, लेकिन हम खुद देते हुए अच्छा भी नहीं लगता ना यार, सबके सामने मतलब गिल्ट, क्या बेइज्जती सी फील होती है। अच्छा लेने में क्या है? अच्छा लैला जी, ये बात सही है, रूस से मोहब्बत की बात करने वाले लोग कुछ देर बाद तस्वीर मांगने लगते हैं, उसके बाद कहते हैं वीडियो कॉल पे भी आओ। अच्छा तो आगे फिर आप? नहीं मैं नहीं, रहना पवित्र, रहना बिल्कुल पवित्र। अच्छा आपने ये बात की, एक बात कनेक्ट करना चाहता हूं, कहते हैं कि औरत जाहिल के लिए हवस, औरत जाहिल के लिए हवस और अकलमंद के लिए रूह है। और मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए, हाँ फड़फड़ाए, मुझे नजर आ रहा है मुझे, लेकिन सुकून का जजीरा मिल ना पाए। वाह वाह, ये एक गाना था, मैं वाला शेयर कर लूं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप तो अभी सिंगल है, ठीक है, लेकिन आप पे अटैक तो होते होंगे, लड़ोगे फेसबुक से, अच्छा अटैक, व्हाट्सएप से अटैक हुआ है, हाँ, इंस्टाग्राम से अटैक होते होंगे, और कुछ अटैक आप भी इनको देती होंगी, भाई देखो सिमिलर हो गया। इसलिए मैंने फेसबुक रखा नहीं है, फेसबुक नहीं चलाती, नहीं मैं फेसबुक नहीं चलाती। ओ ये लड़की क्या चलाती है, क्या रक्षा चला, क्या इंस्टाग्राम चलाती है, ये कितने ग्राम का होता है जो चलाती है? अच्छा अच्छा, और नहीं वो खुद ही खुद चल जाता है, बस मैं हाथों से यूज करती हूं। इंस्टाग्राम के और अलावा क्या क्या चलाती है? ट्विटर चलाती है? ट्विटर नहीं, नहीं ट्विटर पे भी नहीं हूं मैं, ट्विटर भी नहीं। तो क्या जो चलाती है वो तो बताएं। मैं दिमाग चलाती हूँ, दिमाग की तो खाई है। इसकी टाइमिंग क्या है? हाँ। दिमाग खास तौर पे कब चलता है आपका? अच्छा। कि या किसी को देख के दादा चलता है? अच्छा मेरा आप लोगों से सवाल, इट्स अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, आप लोगों को पता है ये अंडे और डंडे में क्या फर्क है? क्या फर्क है? क्या अंडे है? अंडे हमें अंदर से गर्म करते हैं और डंडे बाहर से। वाह वाह वाह, आप मुझे लग रहा थाने नहीं गए कभी, आपको डंडा जो है ना वो अंडे के भी मजा देगा। सही बोल रहे हैं, 100% सही, मेरे साथ है। और कभी मतलब फेसबुक और कभी मतलब आप जो इंस्टाग्राम यूज करती हैं, हाँ जी, कभी कोई ऐसी तारीफ की हो किसी लड़के ने कि आपको याद रह गई हो वो तारीफ? हाँ। किसी तस्वीर की तारीफ कर दी हो ना? हाँ कुछ तस्वीरों की तारीफ ऐसे की याद रह गई, और किस पे तो मेरा ब्लड प्रेशर बड़ा हाई हुआ है। अच्छा हाँ बताएं, क्या तारीफ की? क्या तारीफ की बताएं? तारीफ मुझे ऐसे कुछ कही थी किसी ने मुझे, एक तुर्किश लड़के ने, तुर्किश लड़के ने, हाँ, हुई ये तुर्की, ये तुर्की लड़के हमारे मुल्क की बच्चियां छेड़ना, जी जी बोले बोले, क्या हम भी इनके मुल्क के, हम इंतकाम देंगे, हम भी इनके मुल्क की बच्चियां छेड़ेंगे। तो ब्लड प्रेशर आपका इस पे हाई हो गया? हाँ मेरा नहीं नहीं, उस पे मैं खुश हुई हूँ। तो ब्लड प्रेशर कहाँ पे हाई हुआ? वो बता रही हूँ, बता यार वो मैं बता नहीं सकती। क्यों नहीं बता सकते? अच्छा हमारे यहाँ पाकिस्तान में इतने फारिग लोग हैं, आप यकीन करें घर में अगर किसी का एक का ब्लड प्रेशर चेक करवाना हो ना, मजाक मजाक में पूरा घर ब्लड प्रेशर चेक, मेरा भी चेक कर, मेरा भी चेक कर, और शुगर और ये और शुगर भी, शुगर पिन से भी, और ये चेक करते हैं। हाँ, और ये ना हमारे यहाँ तारीफ करने का अंदाज भी बड़ा निराला है। क्या आपकी तस्वीर देखेगा ना कोई? हाँ बड़ी अच्छी तस्वीर है यार, तेरी तो नहीं लग रही। हाँ। क्या बात कर रहा भाई,
अच्छा एक चीज ये भी नोट करना, मोहब्बत एक से होती है और हालचाल पूरे खानदान का पूछना पड़ता है। ऐसा ही है, ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा लैला जी, कैसे पता चलेगा लड़के को कि लड़की हमें पसंद कर रही है, ये कुछ तरीका बताएं। अच्छा अगर वो लड़की, अभी मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको मैं अच्छा लग रहा हूँ या नहीं लग रहा? अभी वो जिसको पसंद कर रही है ना उसको पता है। नाम नहीं बताना ले लो, नाम नहीं बता। अच्छा वैसे मैं बताती हूँ थोड़ा सा, अगर कोई लड़की आपको थोड़ा सा देख के जज कर दे कि आज आप डिफरेंट लग रहे हैं, बोलेगी मुझसे, बोलेगी कुछ ना कुछ आप में चेंजिंग देखेगी, तो इसका मतलब ये है कि वो आज आपको पसंद करे या आपको पसंद करती है, क्योंकि उसने आपको नोटिस किया है। अच्छा, ये है लॉ। अच्छा एक बात कनेक्ट करना चाहूंगा, ये बात सच है कि सब लड़कियां डॉक्टर नहीं होती लेकिन लड़कों के जज्बात को अच्छी तरह समझती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने, क्योंकि लड़कियां बहुत जजमेंटल होती हैं, वो बहुत गौर से देखती हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हाँ बहुत गौर से, बहुत गौर से देखती हैं कि भाई ये अपने पैरों पे खड़ा हो पाएगा नहीं पाएगा, अभी तो ढीला चल रहा है। नहीं हाँ। मतलब मेरी मेरी मोहब्बत का बोझ ऐसा है। अच्छा लड़कों का सवाल है, ये मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है आप इसका कोई प्रॉपर जवाब देंगे। लड़कों का कहना है कि पतली लड़की से कभी दिल मत लगाना, लड़कों का सवाल है, लड़कों का सवाल है कि पतली लड़की से दिल कभी मत लगाना, क्योंकि जिस पे खाना असर नहीं करता उस पे मोहब्बत क्या खाक असर करेगी। बिल्कुल 100%। अच्छा बहुत सी लड़कियां होती है पतली होती, खाती प्रॉपर है माशाल्लाह से, सब कुछ है ना, लेकिन उनको असर लड़कों में भी होता है, ये काट काट पे होता है, काट वाले कुल कहते खाना छोड़ दो पतला हो जाओगे यार, इधर तो हवा पानी सब लग जाता है। आपको लग जाता है? अच्छा मुझे तो ये, मुझे किसने बोला हवा पानी बदलो अपना, हमें तो पंखे की हवा नहीं लगती। नहीं आप जिम जाती हैं? हाँ मैं जिम जाती हूँ, मैं स्विमिंग भी करती हूँ, पर फिर भी कोई असर नहीं पड़ता मुझे। अरे स्विमिंग करती हैं? सही है, मैं भी स्विमिंग करता हूँ, पानी नहीं होना चाहिए बस मुझे। अच्छा एक सवाल है मेरा आपसे, हालांकि इस सवाल का आपसे कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन मैं चाहता हूँ इस सवाल का जवाब आप प्रॉपर दें, बिकॉज यू आर सो इंटेलिजेंट एंड यू आर सो हम्बल एंड आई एम फंबल एंड आई एम थैंकफुल। सही, एक बीवी का कहना है कि अगर शौहर अचानक तारीफें करना शुरू कर दे तो फौरन गीजर ऑन कर दे या फिर पानी का पतीला चूल्हे पे रख दे। और शोहर गुस्सा ना करे, आप फौरन घर के काम करने लगे और उस वक्त अगर गैस ना आ रही हो, है ना है? हाँ। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, आजकल के दौर में बीवी ऐसी होनी चाहिए जो झगड़ा करने के बाद खुद ही कहे जानू अब मान भी जाओ बच्चे सो गए ना। हुई हुई यार ये आपने, आजकल शोहर ऐसे होना चाहिए कि बस मुंह बंद करके रहे, बस बीवी का मुंह नहीं अपना, नहीं नहीं अपना मुंह बंद करे, जबान ना चलाए। और ये मियां बीवी ना चलाए, नहीं नहीं भाई बीवी से तो आप कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते। अरे किसी का बाप नहीं कर सकता। कल मेरी बीवी से झगड़ा हो गया, दो घंटे बाद बंद रही हमारी, उसके बाद मेरी बीवी ने कहा चलो हम समझौता कर लेते हैं, आधा समझौता आप करें आधा समझौता मैं कर लेती हूँ। मैंने कहा बोलो क्या, कहेंगे आप माफी मांग ले, मैं माफ कर दूंगी। वाह 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 बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा कुछ शोरों को होता है, कुछ शोरों की आदत समझ में नहीं आती, कुछ शोरों को मैंने देखा है अहमद साहब नाराज होते हैं तो बीवी पे हाथ उठाते हैं और खुश होते हैं तो बीवी पे हाथ नहीं उठाते, उंगलियां उठाते हैं। तुम्हारी गलती थी, तुम बोली थी, तंज मारते हैं। अरे यार कितनी गलत बात है, कैसे जलील, कितनी गलत बात है यार। मैं इस बात को इस तरह घुमाना चाहूंगा कि अगर आपने गुलाब जैसी बीवी पसंद की है ना, मैं शोरों से कहना चाहता हूँ, शोरों अगर आपने गुलाब जैसी बीवी पसंद की है, बार बार कह रहा हूं मैं शोरों से कहना चाहता हूं, अगर आपने गुलाब जैसी बीवी पसंद की है तो फिर उसका कांटो जैसा गुस्सा भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाय हाय। और मैं ये बोलूंगा कि अगर ये मियां बीवी की बात हो रही है तो मैं बोलूंगा भाई अगर खुश रहना चाहते हो जिंदगी में तो पहले दिल की सुनो, फिर दिमाग की सुनो, और फिर वही करो जो बीवी कहती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कामयाब खुश रहेंगे, कामयाब रहना चाहते हो तो मुंह बंद करके रखो और जो बीवी कहती है वैसा ही करो। अच्छा लोग कहते हैं कि संगत का असर होता है, हाँ, यानी कि हाँ, साथ बैठने का असर होता है, हाँ, लेकिन कांटों को आज तक महकने का सलीका नहीं आया। आपको सलीका आया? आप कांटों में रहती हैं? बैठने का नहीं, महकने का, महकने का, सॉरी। आप कांटों में रहती हैं या फिर फूलों में रहती हैं? मैं अपने घर में रहती हूँ। अच्छा नहीं मतलब मेरे घर में गार्डन है, उसमें फूल है। अच्छा आपके घर में गार्डन है तो माली भी होगा? हाँ माली भी। पौधों को पानी डालता है वो? हाँ, किसी दिन लेट हो जाए तो मुझे बुला लीजिएगा। कोई सीवी भी यार, आप कहाँ गमलों को पानी डालेंगे यार बरकत भाई, आप कहाँ गमलों को पानी डालेंगे यार? हाँ, आप कंटिन्यू करें प्लीज, आप दोनों मियां बीवी कंटिन्यू। बहन भाई अच्छा अच्छा मेरा एक सवाल, एक जनरल सवाल है, फर्ज कीजिए आपकी शादी हो गई और शादी के बाद आपने अपने शौहर से कहा मुझे घुमाने ले जाओ और उसने पंखे के साथ बांध के घुमा दिया, फिर तो मैं उसको ना जब मैं नीचे उतरूंगी ना पंखे से तो उसी पंखे को ना मैं उसी के साथ घुमा दूंगी। लुबे लुबाब ये कि आप घुमाने में मास्टर हैं, बहुत मास्टर हैं यार। ये मैं आपको बताऊं, ये इतनी खूबसूरत जो लड़कियां होती हैं ना वो इंस्टाग्राम में तस्वीरें डालती हैं। अच्छा आप कहा इनको घूमने घुमाने, एक दिन में कितनी तस्वीरें डालती हैं आप इंस्टाग्राम पे बताएं? मैं तकरीबन एक दिन में एक भी नहीं डालती, मैं एक हफ्ते बाद एक डालती हूँ। ये क्या कर रही है लड़की? हाँ। अरे समझ नहीं आ रही है, तुम लड़का तो नहीं हो लेकिन आपके हाँ ये बात कह रहा हूँ, मतलब एक हफ्ते में एक तस्वीर डाल ली है लेकिन आपके फैशनेबल, यू आर सो फैशनेबल, तो माशाल्लाह तो आप तो रोज डालती होंगी। आपको तो फैशनेबल है, आपको तो रोज पोस्ट डालनी चाहिए। ये फेसबुक पोस्ट
इंस्टाग्राम पोस्ट भी ना बड़ी बड़ी अजीब आने लगी है। मैंने भी पिछले हफ्ते एक पोस्ट देखी, उस पर लिखा हुआ था कि अगर मुसलमान हो तो सच्चे दिल से लाइक करो। हाँ मैं लाइक कर रहा था, लाइट चली गई। भाई दो घंटे तक मैं काफिर रहा हूं। लाइट आई फिर मैंने लाइक किया जल्दी। तो ये कैसी पोस्ट लगा रहे हैं ये अपनी अपनी बस कयास आ रही है बिला वजह की, ये मैसेज नहीं आगे नहीं बढ़ाओगे तो अजाब आ जाएगा। जॉन एलिया के शेर अपने शेर गंदे छिचोरे शेर अल्लाह माफ कर जॉन एलिया पे करके डाल दिया। अच्छा लैला जी, मैंने आपके बारे में एक बात सुनी है। अब मैंने सुना आप गुस्से में हर चीज तोड़ देती है। जी बिल्कुल, अल्लाह खैर करे, मेरा तो दिल ही नहीं के पास है भाई। हाई ना तोड़िएगा, ना तोड़िएगा, नहीं वो दिल क्या जो। अच्छा ये बताएं ना हो के मेहनती है, मेहनती सुबह कितने बजे सोकर उठती है? मैं जैसे मेरी मेड आती है ना, बेल बजती है 2 बजे, बस मैं उसी की बेल से उठती हूँ। अच्छा, और बेल अगर कोई इससे पहले 1 बजे बजा दे कोई आके तो तब भी उठ जाती हूँ यार। अच्छा बेल जरूरी है, बेल बजना जरूरी है। अच्छा ये मेड आकर एक बात है, जिस दिन मेड ना आई हो ना संडे वाला, उस दिन खुद बाहर जाके बेल बजाती फिर? नहीं, उस दिन मेरे दिमाग में बेल बज रही होती है 2 बजे और मैं 2 बजे उठ जाती हूँ। सीरियसली? अच्छा कहाँ से उठती है 2 बजे? भाई काम तो मेड ने किया, उसको बताना भी तो होता है पूरी सफाई करवाना होती है। और ये मेड्स ऐसी होती हैं, अगर आप इनके सर पे ना खड़े हो तो ये आपके सर पे खड़ी हो जाएंगी फिर। एग्जैक्टली, और ये पोछा लगाएंगी, झाड़ू नहीं लगाएंगी, ये है उनका। मतलब हर मेड नहीं, कुछ मेड अच्छी भी होती है। ऐसी मेड भी देखे, हमारे घर में काम करती है हमारी तो बहनों की तरह। आपके घर में तो मेड काम नहीं, नहीं आप बड़ी बहनों की तरह हमारा, और प्रॉपर काम करती है, समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ होती है मेड जो आदमी को मैट कर देती है। अच्छा कभी ऐसा हुआ कि आप दोपहर को सो के उठी हो और कंफ्यूज हो गई हो, यार ये सुबह है या शाम? कभी होता है? हाँ हुआ है, हुआ है, हुआ है। एक बार ऐसा हुआ, मैं और युश्रा मेरी बहन, हम लोग ट्रिप से आए, बहुत थके हुए थे, 2 दिन तक हम सोए, 2 दिन तक हुई, 2 दिन तक सोए बाकायदा, हमें ये नहीं पता था। ट्रिप था जो 2 दिन सोए आप लोग? तुम लोग जागे कितने दिन तक? जो 2 दिन सोना पड़ा? आप क्या पैदल नॉर्वे गए थे? कहाँ गए थे? 2 दिन तक सोए? नहीं नहीं, मेरी बहन का मतलब 2 दिन मतलब 48 घंटे सोते रहे आप? सोते रहे, देखो यार, तो बीच में कोई ब्रेक नहीं आया, और मैं उन दोनों दिनों में जाग रहा था। नहीं मैं आपको ये वाक्य बताऊं, मतलब बीच में कोई ब्रेक नहीं आया, आप उठ के बंदा जाता है? नहीं नहीं बिल्कुल, डू नॉट डिस्टर्ब था, डू नॉट डिस्टर्ब हुई नहीं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, इंसान सो सकता है 2 दिन तक, क्योंकि मैं संजय दत्त का एक इंटरव्यू देख रहा था, मैं आपको संजय दत्त, अरे उनका तो छोड़े भाई का, वो तो आपको खुद बोलते हैं कि मैं तो हां ना, वो हुआ ये था हो जाता है। वो हुआ ये था कि सामने होस्ट ने उनसे सवाल पूछा कि आप कोई अपनी जिंदगी का किस्सा बताएं ऐसा। वो कहता है कि एक दिन ऐसा हुआ कि मैं पी पिला के आया और मैं सो गया। अब जब मैं सो के उठा ना, मुझे भूख लग रही, मैंने नौकर को बोला यार खाना ला के दो, तो वो नौकर रोने लगा। तो उसने बोला भाई क्यों रो रहा है? संजय दत्त ने बोला 10 का दम में गल पाए, एक बात कही थी सलमान खान। तो उसने बोला कि सर आज आप 3 दिन बाद सो के उठे। नौकर प्यार करने, देखो मोहब्बत अटैचमेंट होती है ना नौकर को भी, मालिक से, यार मालिक को भी नौकर से। तो ये 48 घंटे का रिकॉर्ड है आपका सोने का, सीरियसली। और हमारे घर वाले तो कभी कभी परेशान हो जाते हैं कि ये सो गए या मर गए, तो अंदर से अलार्म लगा के सोया, अंदर से कुंडी लगी हुई थी आपके कमरे की, अलार्म लगा के सोया करें। बिल्कुल बंद, बिल्कुल बंद, मतलब वो लॉक नहीं था कि चाबी अम्मी के पास, बाहर से हमने कहा हम सो रहे हैं, मम्मा ने कहा सोते रहें, बिचारी बच्चियां थकी हुई हैं, थकी हुई हैं, मम्मी को पता ना बच्चियां काम करके। तो आप एक काम करें ना, आप अलार्म लगा के, आप अलार्म लगा के सोया करें। अच्छा अलार्म उठना था, हमारा ये प्लान था कि अब हम गहरी नींद सोएंगे। अच्छा अलार्म के साथ होता पता क्या, तारीख गवाह है के अलार्म की आवाज से ना सब उड़ जाते हैं। हाँ। वो कुत्ते का बच्चा नहीं उठता जिसने लगाया। अक्सर तो मोहल्ले में से आवाज आ रही होती है अलार्म की, सर्दी है ना, सन्नाटा होता है, पड़ोस में से अलार्म की आवाज आ रही होती है। अबे उड़ जा भाई। और किसी और आप ये नोट करें, आप सो रहे हैं, किसी का मोबाइल बज रहा है, हाँ। वो मनुष नहीं उठेगा, नहीं उठा, सब उठ जाएगा भाई तेरा फोन है। अच्छा ये भी चीज होती है, हमारे मोहल्ले में एक बंदा है, उसने अपने मुर्गे को मार दिया। मैंने क्यों मारा? कह रहे यार अजान का आवाज देता है, नमाज नहीं पढ़ता। अच्छा अच्छा अहमद, ये आपकी बात से मैं मुत्तफिक करूंगी। ये जो फोन देखा, मेरी बात से मुत्तफिक कर रही है। अच्छा हम लोग इधर क्या करें, हम लोग घर जाएं? यार एक सेकंड, इतने हमने बातें सवाल पूछ ली, एक सेकंड। अरे आप बोले आप जलने वाले हो, जलने मैं इस बात से कर रही हूँ कि अक्सर मेरी बहन की कॉल आ रही होती है, वो सो रही होती है, मैं कहती हूँ बहन कॉल रिसीव कर लो, तुम्हारी कॉल आ रही है, कोई और कर लेगा रिसीव, सारी बातें सुन लेगा, रहने दो बजने दो। तो सीरियसली जब भी उसकी कॉल आती है मेरी आँख खुलती है, उसकी नहीं खुलती, नहीं खुलती, इसकी आँखें किसी दिन खुली, अचानक पहुंचा ना किसी दिन अपने घर, आपने एक जोड़ा 15,000 रुपए का ले लिया, हाँ जी, और वो एक हफ्ते बाद सेल में 6,000 रुपए का लगा हुआ है। बहुत बार
ये होता है बहुत बार ऐसा यार है। ये मेरे साथ भी होता है भाई, मैं इसके साथ होता है, मैं वही ये खरीद के लाता है, पहले कह रहा अबे 8,000 रुपए की शर्ट लाया, मैं कुछ दिनों बाद जाता हूँ 4,000 की लिया था मैं, 5 मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं कोई 6,000 का जूता खरीद के लाता हूँ, अगले दिन वो होलसेल में 3,500 रुपए का मिल रहा होता है। वाह वाह, तो आप हमेशा आप होलसेल में ही घुसते हैं हमेशा। साथ ऐसा हुआ, मैंने ड्रेस खरीदा। हाँ हाँ, अच्छा भाई ये बातें तो चलती रहेंगी हम तीनों की, लैला कोई बचपन का किस्सा सुनाए आपने। हाँ, कोई बचपन में ऐसी कोई आपकी कोई ऐसी, देखो हर आदमी से गलती होती है, कोई आपसे कोई ऐसी गलती नहीं, मतलब किसी का आपने दिल दुखाया हो, बाद में आपने बोला देखो बेचारे को खामो का मैंने शटअप कॉल दे दी, सिर्फ लोकेशन ही तो पूछ रहा था। हाँ, यार हमने दिल नहीं दुखाया, हमने बचपन में सबको बहुत डराया है, क्योंकि हम बहुत खतरनाक बच्चे थे। हाँ अच्छा, बहुत खतरनाक, तो हम लोग खतरनाक बच्चे के, आप क्या बिल्ली पे थूक देते थे? नहीं मतलब खतरनाक बच्चे के, आप क्या बिल्ली पे केचप लगा के खाते थे? क्या करते थे मतलब खतरनाक बताएं कोई चीज खतरनाक क्या यू ना, बहुत खतरनाक किस्से हमारे, किस्से ये होते थे कि रात को हम छत पे चढ़ जाते थे 3 बजे रात के, वाह वाह, व्हाइट कपड़े पहनकर, और मेरी बहन है छोटी वाली तो उसके घुटनों तक बाल है, लाइक हम उसके बाल बाहर लटकवाते थे और हम पूरे मोहल्ले को डराते थे। पर एक दिन ऐसा आया कि मोहल्ले वालों ने डरा दिया आप लोगों को, मोहल्ले वालों ने पता नहीं किसी चीज ने आके हमें डरा दिया, लाइक वो दिन है हमने तौबा करी। तौबा करी, तो क्या चीज थी जिसने आपको डराया? हाँ, कोई मखसूस चीज़ को, रबड़ की थी कोई चीज होता ना, किसी ने रबड़ के मास्क आते हैं, रबड़ के मास्क पहन के, वो खतरनाक मास्क होते हैं भाई। रियल किस्सा है, रियल रियल ही सुनाना है भाई, रियल किस्सा, रियल सुनाइएगा। ये हुआ, वही सेम सिचुएशन थी, हमने कहा आज चौकीदार को डराते हैं। वाँ वाँ। तो चौकीदार, चौकीदार पहले से ही डरा हुआ था। हाँ। तो चौकीदार बेचारा गुजर रहा था, तो हमने उसको आवाज की, तो पेचर मारा आपने? हाँ। हाँ। इसको पेचर कहते हैं बेसिकली। क्या उसने क्या? हाँ। नहीं किया। अच्छा अच्छा, उसने कहा मुझे पता है, आ जाओ। अच्छा, ये तो इससे तो आगे निकले यार। तो बहन सेम उसी सिचुएशन में बैठी थी, उसने इशारा किया। हमने सिचुएशन क्या बनाई थी कि वो उसने टांगे बाहर लटकाई हुई, बाल नीचे लटकाए हुए थे, तो बस चिचित किया और व्हाइट कपड़े उसने पहने थे, चौकीदार ने देखा और वो भागा भागा है। उसके बाद हम हंसे खूब, फिर एक देखा हमने दूर से एक आदमी नजर आ रहा है, हमने कहा अब इसकी बारी है, ठीक है। जैसे वो आदमी आया और हमने उसको चिचित किया, वो आदमी करीब आया, लिटरली उस आदमी की सिर्फ धोती थी और ऊपर बनियान थी, नो सर नो टांगे नथिंग, कुछ धोती नहीं पहनी, पता नहीं धोती हवा में उड़ती उड़ती आ रही थी, धोती धोती उसकी पली हुई थी, धोती में मतलब होता है ना, पली हुई थी उसके साथ साथ चल रही थी, और उसने धोती एक बाप है, धोती में मोती तो नहीं थी, मोती जैसी आंखें नहीं, सुने उल्टा था वो आदमी, उल्टा था, क्योंकि अक्सर जो ऐसी चीजें होती है ना उनकी आंखें ऐसे चमकती है, मोती धोती में कोई बिल्ली का बच्चा तो नहीं था, ना सर था ना टांगे थी, और उसने हमें आके चिचित किया है। हाँ। वो दिन है और आज का। अच्छा एक मिनट, जब सर नहीं था चिचित कहाँ से किया? यार पता नहीं, हवाई आवाज आई, हो सकता है, हो सकता है किसी और मुंह से किया, तो कारीगर आदमी था, एक बंदे का सर नहीं है और चिचित किया, और वो चिचित कर रहा है, और टांगे भी नहीं, टांगे भी नहीं और भाग रहा है, मतलब और धोती भी बांधे हुआ और है ही नहीं, फ्लाइंग धोती, फ्लाइंग धोती, अच्छा वो होगा इनविजिबल मैन, वो कौन सी फिल्म आई, मिस्टर इंडिया। हां वैसे उसी भाई आपने बड़ा टेक्निकल सवाल उठाया, बहुत अच्छा किया, सर नहीं था। हां तो अच्छा, तो ये आप, अच्छा ओके, आवाज आई नहीं, बस नजर नहीं आया। अच्छा उस वक्त किसी नफ्सियात के डॉक्टर क्यों नहीं दिखाया? अच्छा उसके बाद क्या हुआ लैला जी? उसके बाद पता, एक धोती आ रही है आपकी तरफ चलती हुई, एक धोती आ रही है, आपने कहा काश उस धोती में आदमी होता, भाई काश आदमी होता तो हमें डर नहीं लगता, हमें डर नहीं लगता ना, खाली धोती धोती आ रही है भाई, सर नहीं है, टांगे नहीं है, हाथ थे उसके, धोती नहीं, हाथ भी नहीं थे, सिर्फ धोती और ऊपर बनियान, धोती और बनियान, मुंह भी नहीं था, मुंह भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, अबे धोती थी लिटरली, धोती थी और फिर अक्सर वही धोती, बनियान के आसपास कुछ नजर आ रहा था, मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो बनियान था या हाफ स्लीव वाला था, कोई ऐसा कोई हिस्सा नजर आ रहा हो जिससे आपको लगे, जिससे कोई हिस्सा नजर आ रहा हो जिसके, जिसको इससे को देखकर आपको, जिससे पता चले कि वो मर्द था या औरत थी, हाँ। या चुड़ैल थी या भूत था। एक सेकंड, उसने यूं किया, चिच चिच। हाँ, चिच चिच किया, उसके बाद उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने उसने कहा बूझो कहाँ से किया, उसने कुछ नहीं किया, उसके बाद हम भागे, हम भागे, हम भागे करके भागे, चीखे और भागे। अच्छा, वो आपके पीछे नहीं भागा? नहीं वो नहीं भागा, यार वो हम ऊपर थे, सिर्फ धोती कैसे भाग सकती, उड़ जाती, अरे यार वो नीचे था ये ऊपर थे, अच्छा धोती अच्छा। भी नीचे थी और बनियान भी, धोती अच्छा वो नीचे थी, अगर ऊपर होती तो फिर यार मैं सीरियसली शुक्र अदा करती वो धोती पैराशूट नहीं बन गया कहीं ऊपर, अरे नहीं अच्छा वो पैराशूट नहीं बनी, वो नजर आ जाता कौन है यार, ये हो सकता है वो मुंह धोती में हो, हाँ नहीं यार हो सकता है, नहीं नहीं देखे यार, अल्लाह पाक धोती धोती किस स्टाइल में बंधी हुई थी, घिरा बंधी हुई, अबे भाई इतना ध्यान से कौन देखता है यार, टेंशन यार नहीं, सामने धोती आ रही हो यार, वो दूर से आ रही थी तो हमने देखा नया शिकार, नया शिकार, और धोती ने भी सोच लिया था नया शिकार, उस शिकार ने हमारा शिकार कर दिया। वैसे ये वो वाकया है, अगर ये खैर अपने पेरेंट्स को ही बताएं, अब धोती आ रही है, हां बेटा धोती के साथ कुछ और भी तो हो, अब कहेंगे बेटा धोती को बिठाओ मैं आता हूं, मैं अपनी बनियान लेके आता हूं, नहीं बनियान था था, धोती को
बिठाओ, मैं ऊपर अपना सूट लेके आता हूँ। एक सेकंड, ये फिर उसी धोती पे बिछा के इन्होंने खाना खाया। एक बात बताएं, ये भूत आपने तार पे देखा था? नहीं नहीं, धोती पे देखा था। धोती पे नहीं, धोती तार पे देखा था, गली के कोने पे था वो एक्चुअली। अच्छा, बाकी गली में सन्नाटा था और सन्नाटा धोती था। नहीं थी नहीं, कोई पजामा, कोई कुछ नहीं, चौकी, कोई लहंगा, कुछ नहीं, कोई लहंगा बनियान साड़ी, एक चौकीदार था और एक धोती थी। नहीं, चौकीदार हमने पहले ही भगा दिया, चौकीदार भाग गया, धोती रह गई, धोती रह गई। आपके अलावा हो सकता है आपका धोखा हो, आपके अलावा ये धोती किस किस को नजर आएगी? मैं और मेरी बहन। अच्छा बहन, अच्छा आई भी दोनों बहनों को, एक ही घर की दो औरतों को नजर आई। क्योंकि बहन ऐसे बैठी होती थी और मैं उसको, उसको धोती का आइडिया था। अच्छा, धोती का एक पहले भी धोती आती रही है दूर से। अच्छा लैला जी, एक बात बताएं, हां, ये धोती का कलर क्या था? व्हाइट। व्हाइट नहीं, नहीं ब्राउन होगा। अरे नहीं नहीं, व्हाइट था। अच्छा, बाद में मेरा आपकी बहन को भी व्हाइट ही नजर आ रहा था। व्हाइट नजर आ रहा था। और बनियान का कलर क्या था? व्हाइट। व्हाइट, ओहो, स्नो व्हाइट, स्नो व्हाइट। नहीं यार, ये धोती नहीं यार, हम तो यहाँ मजाक उड़ा रहे हैं। कहीं व्हाइट था ना, तो कहीं उसमें दाग था धोती या बनियान पे? यार ऐसा था, नहीं दाग, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। हाँ, तो हम भी सीरियस हैं, ये तो आपको पता नहीं चल रहा। धोती ना हवा से इतनी ऊंची भी थी। अच्छा अच्छा, बाकी तो नाप भी लिया आपने? इतनी दूर से कैसे नाप लिया आपने? अच्छा दूर से यार, उस धोती ने आके हमें बिल्कुल जहाँ पे हम थे ना, उसी डायरेक्शन में उसने, जैसे ऐसा हुआ कि बॉडी यूं ही उसकी किया। अच्छा, आप कौन से फ्लोर पे थी? हम लोग थे फर्स्ट फ्लोर पे, समझे, और धोती ग्राउंड फ्लोर, धोती ग्राउंड पे, और आपने यूं नाप लिया कि इतनी ऊपर थी? यार तो दूर से नजर आ रही थी। जब दूर से बंदा आ रहा हो ना, तो इतना सा नजर आता है, आप इसमें आ जाता है, इसमें आ जाता है। दूर से देखो, जब करीब आओगे तो वो बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाता है। अच्छा, धोती ने आपके पास आके ये गाना तो नहीं गाया, दिल ने ही कहा है दिल से मोहब्बत पहली है कसम से? क्योंकि यार ये बड़ी अच्छी धोती है भाई, आपकी वाइब पता है, आप धोतियों से बचें बस। हाँ, आप उसके बाद आप भाग गए, धोती वाला भी भाग गया। अब हमें नहीं पता धोती वाले, अब वो धोती बड़ी हो गया, वो लहंगा बन गया, शरारा बन गया है ना। यार मैंने हमेशा भूत चुड़ैले साड़ियों में व्हाइट कपड़ों में देखे, धोती में पहला भूत है ये। भूत ने बोला भाई, जल्दी जल्दी में आया था ना वो, है ना, इसने बोला भाई। गर्मियां थी उन दिनों, गर्मियां थी। हाँ, गर्मियां होगी जब तो धोती में आया। गर्मियां नहीं थी, सर्दियां थी। अबे यार, ये तो सर्दियां थी, बड़ा निडर धोती थी भाई। एक सेकंड, धोती मैं पहुंच गया हूँ। ये भूत नॉर्थ कराची का है। अच्छा, वहाँ लाइट बहुत जाती है। लेकिन अहमद वो कह रही है गर्मियां नहीं थी, सर्दियां थी। सर्दियां थी, वो धोती लगी होगी अपने धोते के साथ, डिस्टर्ब हो गया, वो उसी धोती में आ गई, धोती के नीचे जींस। अरे भाई, क्या ये धोती शो हो गया? छोड़ो यार, धोती शो। मैंने धोती का पोस्टमार्टम नहीं किया, जो था मैंने, जो था वो था, आपने अपनी हकीकत बयान कर दी। हकीकत आपने, आपसे ये गलती हुई थी, जो आपने गलती, इतने छोटे सवाल का आपने इतना बड़ा जवाब दिया कि बचपन में जो गलती हुई थी वो ये गलती हुई थी। अब वो गलती पता है जो हम सुनना चाह रहे हैं? मतलब किसी लड़के की पिटाई कर दी। चलो भाई अहमद भाई, एक बात बताऊं मैं आपको, आजकल जिस उम्र में बच्चों के दिल की घंटियां बज रही है ना, उस उम्र में हम लोगों के घरों की घंटियां बजा के भागते थे। और जब लाइट गई होती थी स्पेशली बजाते थे, लाइट गई होती थी ना, हम टेप्स लगा देते थे घंटियों पे। अच्छा, जैसे लाइट आई और पूरी बजे जा रही है। अच्छा, बचपन में कोई आपने कोई अच्छा काम किया है बजाने के अलावा? नहीं, कभी नहीं। यार ये मैं ये देख रहा हूं, टेप लगा दी, धोती आ गई। यार ये तो हमारी तना है बिल्कुल, हमने भी लौंडा लौंडा तभी जिंदगी है। यार आप साइकिल चलाती थी आप? हाँ, है ना। अच्छा, सर दो पहियों वाली, और एंड आई होप ये किराए पे नहीं लेते होंगे यार। हाँ, नहीं, हम तो किराए पे लेते थे मुबीन से। यार आप किराए पे तो नहीं लेती थी ना? यार मैं बहन भाइयों की चलाती थी, मुझे माँ बाप ने साइकिल नहीं दिलवाई। नहीं दिलाई ना, माँ बाप खुद साइकिल चलाते रहे। ये क्या बात हुई? होता है ना, माँ बाप ने साइकिल खुद आपको क्यों नहीं दिलाई, बाकी ये क्यों पता नहीं। यार मेरी बड़ी बहन थी, वो कहती थी ये गिर जाएगी साइकिल। हाँ, और फिर गिर गई। नहीं तो वो तो आपके भले के लिए, आपके भले के लिए मैं चलाती थी। आप चलाती, अच्छी बात है, अच्छी बात है, चलाओ भाई चलाओ। मैं कहता लड़कियों को लड़कों की तरह जीना चाहिए। आपसे प्यार करते थे? अब मेरी अम्मी मुझसे इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी, वो कहती थी खुदा तुझ जैसी औलाद किसी को ना दे। वाह वाह। अरे भाई, मेरे माँ बाप मुझसे इतना प्यार करते थे, हमारे घर में बहुत सख्ती, बोलती भाई रात को 3 बजे से पहले तू घर नहीं आएगा। हाँ, ज्यादा ज्यादा समझे आप। अच्छा ऐसा, फिर 18 बहन भाई हो है, माशाल्लाह है। अच्छा, 6 बहन भाई, 7 बहन भाई है। अच्छा, अगर तू 2 बजे आ जाता तो 5 होते, ये जायदाद का बंटवारा हो जाता। सही मैं, अच्छी बात। अच्छा, आप घर में कितने बजे आप रात को जाती हैं शूट से? या कभी घर वाले कभी कहते हैं आज इतना जल्दी जाएं, वही सुबह 5 बजे आओ? नहीं, ऐसा जिसकी जैसी सोच वो वैसी कहानी रखता है, जिसकी जैसी सोच वो वैसी कहानी रखता है, जिसकी जैसी सोच वो वैसी कहानी रखता है, कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। इसी बात पर क्या है कि जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, दूसरों पर इल्जाम लगाए और वहां से खिसक जाएं। आए, हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है भाई। जमीनी फैसलों को आसमानों में नहीं करते,
जमीनी फैसलों को आसमानों में नहीं करते, जमीनी फैसलों को आसमानों में नहीं करते, मोहब्बत अपने से ऊंचे घरानों में नहीं करते। वाह वाह, कुत्ते की तरह जलील होंगे आप। सही बात, सही भाई, अपने औकात में, औकात रेंज में देख के बात करो। तो आपकी मोहब्बत से मैं एक शेर, हाँ जी जी जी, मेरी मोहब्बत से एक शेर कहना चाहिए, मेरी आपके शेर से एक शेर जोड़ना चाहूंगी। तुमने मोहब्बत मोहब्बत से ज्यादा की है, तुमने मोहब्बत मोहब्बत से ज्यादा की है, मतलब टाइम से ज्यादा की है, जो टाइम जो तय हुआ था उससे ज्यादा हो गई। शेर का मैं खुलासा कर रहा हूँ, खुलासा, सॉरी, शेर का मैं खुलासा कर रहा हूँ। क्या बात, तुमने मोहब्बत मोहब्बत से ज्यादा की है, हमने मोहब्बत तुमसे भी ज्यादा की है। तुम क्या करोगे मोहब्बत की इंतहा, तुम क्या करोगे मोहब्बत की इंतहा, हमने इंतहा से इब्तिदा की है। वाह 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 वाह, कि तेरे बगैर ऐसे हैं जैसे, तेरे बगैर ऐसे हैं कि जैसे, तेरे बगैर ऐसे हैं जैसे इतवार वाले दिन कोई वीरान स्कूल। हाय 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 हाय, इसी बात पर क्या है कि शायद कोई ख्वाहिश रोती रहती है, शायद कोई ख्वाहिश रोती रहती है, शायद कोई ख्वाहिश रोती रहती है, मेरे अंदर बारिश होती रहती है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, किसी ने क्या खूब कहा है, मैंने सुना ही नहीं। आपके अंदर बारिश होती भी रहती है और आप मस्नूई बारिश भी करते हैं। आजकल जो लाहौर में कर रहे हैं ना, मस्नूई बारिश, शावर खोल लिया, मस्नूई बारिश। मैं मौसमियात में होता हूँ। भाई इसी बात पर क्या है कि जब थोड़ा सा मुस्कुराने लगते हैं, जब थोड़ा सा मुस्कुराने लगते हैं, हाथ से फिर सर उठाने लगते हैं। लैला जी, हल्का मत आना, हल्का मत आना लैला, शेर छोड़ो। एक समंदर है जो मेरे काबू में है, समंदर खान की बात हो, नहीं, एक समंदर है जो मेरे काबू में है, एक कतरा है जो मुझसे संभाला नहीं जा, एक कतरा है जो मुझसे संभाला नहीं जाता। चर्चे हो रहे थे बगैरतियों के, चर्चे हो रहे थे बगैरतियों के, हमने तुम्हारा नाम लिया तो हम जीत गए, हमने तुम्हारा नाम सर फहरिस्त पुकारा। वाह वाह, वैसे एक बात यार, लैला आपका शेर पूरा नहीं हुआ था ना। अरे यार उज़्मी भाई, उनका शेर अभी खत्म नहीं हुआ है। अच्छा यार, लैला के साथ ये नहीं होने दूंगा मैं। अच्छा, उनका शेर खत्म नहीं हुआ, लैला के चलते शेर में से हाथ बाहर नहीं निकाले। नहीं, मैं माजरा चाहता हूँ, मैं समझा आपका शेर भी खत्म हो गया। समंदर खान वाला खा जाता, आपको पता है ना। अच्छा, क्योंकि शेर खा जाता, शेर खा जाता। आप वो समंदर खान वाला, वो समंदर वाला शेर पूरा करें। लेकिन सॉरी, मैं आपका शेर खा गया। आप मेरा शेर खा जाइएगा। आप एक काम करें, शुरू से दोबारा सुना दें, शुरू से दोबारा। एक समंदर है जो मेरे काबू में है, एक कतरा है जो मुझसे संभाला नहीं जाता, एक उम्र है जो बिताई है उसके बगैर, एक उम्र है जो बिताई है उसके बगैर, एक लम्हा है जो अब मुझसे गुजारा नहीं जाता। हाय हाय, तुम इतवार को क्या कर रही हो? कहां से लाऊं इतने कंकर, हर जानिब शैतान खड़े हैं। वाह 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 वाह, तेरी नजरों को फुर्सत ही ना मिली वरना मर्ज इतना ला इलाज ना था, कि तेरी नजरों को फुर्सत ही ना मिली वरना मर्ज इतना ला इलाज ना था, तेरी नजरों को फुर्सत ना मिली वरना मर्ज इतना ला इलाज न था, हमने तो वहां भी मोहब्बत बांट डाली जहां मोहब्बतों का रिवाज न था। वाह वाह बरकत भाई, वाह वाह। ये बताएं, ये शेर और शायरी सब थोड़ा बाहर निकलते हैं, ये मुझे बताएं, कुकिंग कर लेती हैं, खाना बना लेती हैं? हाँ जी, मैं बना लेती। क्या क्या बना लेती हैं? मैं अल्फ्रेडो पास्ता बना लेती हूँ। अल्फ्रेडो पास्ता, बरकत भाई ये खाते हैं आप अल्फ्रेडो पास्ता? अल्फ्रेडो पास्ता पहले रिक्वेस्ट करनी पड़ती, खुदा का वास्ता, पैसे नहीं लियो। अच्छा, इसके अलावा क्या? नहीं यार, ये चीजें हमें हजम, अगर खा भी लेते ना, हजम नहीं होती। अबे भाई, ये हमें शुरू से असल में आदत नहीं। जैसे लोग कहते चाइनीज खाने, यार चाइनीज, मैं आपको एक बताऊं, सलाद होती है सिर्फ। नहीं, सलाद होती है। मैं तो सब्जियां बहुत खाता हूँ, खासतौर पर शिमला मिर्च जिसके नीचे पिज्जा लगा होता है। मैं चप्पल कबाब खाता हूँ, चप्पल कबाब खाता हूँ, चप्पल उतार के भाग जाता हूँ। मुझे वो भी बनाना आता है, चप्पली कबाब। अच्छा, और क्या बना लेती हैं आप? अल्फ्रेडो पास्ता, चप्पली कबाब और मिक्स वेजिटेबल और चाइनीज राइस। अच्छा, जिसके बारे में आप बात। अरे वाह, देखो इसको देख के लगता है बच्ची को इतना अच्छा। अरे यार, घरेलू खातून है अभी आपके तो हाथ पीले हो जाने चाहिए। मजबूरी खातून हूँ मैं, मजबूरी में बनाती हूँ सब कुछ। आपके तो हाथ पीले हो जाने थे अब तक यार, इतनी वो है, क्वालिटीज है, मगर लेकिन क्यों जाती है। हाँ। खाना बनाना आता है, सिंगल है, सिंगल भी है ना, बहन के साथ रहती है। हाँ, अरे तो
बहन क्या पति है? नहीं वो एक ही कमरे में 48 घंटे सोती है, बताया तो। अच्छा, नहीं वो तो पति कहाँ आएगा बीच में? अरे वो तो छागा भागा पैदल गई थी, वो जबकि बात बता। अच्छा वो जबकि, अच्छा मैं समझे रोज ऐसी सोती, रोज रोज अपनी बहन के साथ सोती है। ये अच्छा, ये अच्छी बात है, अच्छा है ना। किसी दिन बहन अगर शूटिंग पे हो तो फिर देख लीजिएगा, अकेले अकेले सोएगी, हम डराएंगे, पटाखे फाड़ेंगे। आप लोग ये भूले ना, धोती वाला भूत मेरे पीछे ही है, अगर आप लोग आएंगे तो वहां से डरा रही है, डरा रही है। वाह वाह क्या बात है लैला। और यार लैला वो फिल्म में गाना भी आया है वो ना, लैला बहुत गाने मेरे नाम ये साथ है, ये कितने अच्छे गाने थे पुराने, लैला में लैला कैसी में लैला। अब ये गाना है लैला तेरी ले लेगी, लैला तेरी हंस के ले लेगी, लैला तेरी हंस के ले लेगी, लैला तेरी चेक कराओ कैसे, मतलब ये कैसे मुमकिन, कैसे गाने आ रहे, लैला तेरी ले लेगी तू लिख के ले ले, ये गाने हां बागा दोस्त ने, उसने साहब उसने पहले ये काम कर चुका, उसने बोला तू ले ले, मैं हो चुका हूं, मैंने दस्तखत कर दिए। जरूरी नहीं ना कि अब ये मर्द ही ये तड़िया लगाए, कुछ अच्छे गाने भी है, राशा शाइस्ते लैला। अच्छा मैं एक बात कहना चाहता हूं बेगम, नहीं सॉरी मुंह से निकल गया, देखिए मोहब्बत में झुकना कोई बड़ी बात नहीं है, कहते हैं मोहब्बत में झुकना कोई बड़ी बात नहीं है, अक्सर सूरज डूब जाता है चांद के लिए। धुआं लकड़ी का हो या यादों का, धुआं लकड़ी का हो या यादों का, आंखें दोनों सूरतों में जलती हैं। वाह 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 वाह। अच्छा इतनी देर से हम लोग एक घंटे से तकरीबन पॉडकास्ट कर रहे हैं, जब आप दोनों यहाँ बैठे हुए थे तो लैला और मैंने आपस में बातें की। अच्छा माशाल्लाह। और मुझे ऐसा लगा कि लैला को इंग्लिश के अलावा भी बहुत सारी ज़बानें आती हैं। अच्छा क्योंकि आपने बताया कि टर्किश आपको मैसेज आया, तो आपने वो समझा कैसे, इट्स मीन कि आपको और ज़बानें भी आती हैं। अच्छा ये लगती में देखने में टर्किश, आप टर्किश लगते हैं, टर्की लगती है, ठरकी लगते हैं, देखने में लगते हैं टर्किश टर्किश टर्किश। हाँ तो मुझे टर्किश आती है, अरबिक आती है, और मुझे इस तरह पता चला जब उस लड़के ने मुझे बहुत प्यारी सी बात बोली, वो मेरा फेवरेट कॉमेंट था। उसने मुझे बोला इंग्लिश में, मैं आपको बताती हूँ, उसने मुझे बोला आई लव यू माई लव, तो उसको टर्किश में कुछ इस तरह बोलते हैं सनी सवयोरम अस्कलम अस्कलम, सनी सनी हौसला रख मैं आ रही हूँ। नहीं सनी सौ सलम अस्कलम, यार ये इतना मुश्किल है मेरा ख्याल मां, ये तो सनी सो योरम अस्कलम। अच्छा ये सो योरम, सो योरम, ये फिर आओगे फिर भी आएंगे रम। नहीं ये तो तुर्की वालों को भी याद नहीं होता कैसे, यार ये इतनी मुश्किल टर्किश ज़बान है, वहाँ तो कोई किसी को प्रपोज नहीं करता होगा, इतनी मुश्किल, बहुत मुश्किल ज़बान है। सनी सोयरम अस्कलम भसम, क्या सनी सवयोरम अश्कलम अश्कलम, ये आपने किसी को मैसेज तो नहीं दिया सनी अश्कलम? अपना फैसला सुनो और बात खत्म कर। अल्लाह।